एग्जाम फुटी आ रही है सात फरवरी संडे प्रयागराज सुबह ग्यारह बजे स्थान पाम रिजॉर्ट हाँ, लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज मिलते हैं सात तारीख को रविवार को साथियों पूरी एग्जाम फुटी आ रही है सात फरवरी संडे प्रयागराज सुबह ग्यारह बजे स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज मिलते हैं सात तारीख को रविवार को Good evening, students. Welcome back to Spoken English class on Example Channel. I'm your trainer, Vishal Vats, and I hope you all are doing great. I'm really sorry we have been uh, missing the classes. I, I'm sure you have been missing the classes for the last four five days. There was some technical glitch, and due to that, I couldn't uh, take the classes. And even now, I'm recording this classes because we are.

बेटर देन नथिंग ठीक है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहा हूं तो ऐसी सिचुएशन में जब आप देखते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कि भाई कुछ ना होने से थोड़ा कुछ हो जाए तो बढ़िया है तो मैंने यही सोचा कि जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तब तक क्यों ना मैं व्हाइट बोर्ड पर ही क्लास रिकॉर्ड कर दूं ठीक है आ, क्योंकि पाँच बजे ये स्टूडियो खाली नहीं है इसीलिए मैं आपको ये रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूँ ठीक है लेकिन थोड़ा इसको भी आप पसंद कीजिए पढ़िए हमारा मेन एम पढ़ने का और सीखने का है तो उसके लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं आप कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल दीजिएगा मैं आपके कमेंट्स गो थ्रू कर लूंगा अगर आपको कोई डाउट होगा इस सेशन से रिलेटेड तो वो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर कर दूंगा और बहुत जल्दी ही हम ऑनलाइन भी आ जाएंगे पांच बजे उसकी कोई दिक्कत नहीं तो आज, nothing, है तो ये एक्सप्रेशन सीखिए आज समथिंग इज बेटर देन नथिंग ठीक है तो यही हम आज अप्लाई कर रहे हैं ओके okay. तो सिंस वी डू नॉट हैव पीपीटी विद अस सो आई विल टीच यू ग्रामर फॉर सम डेज ठीक है दो तीन क्लासेस में ग्रामर कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है तो मुझे स्टार्ट करना था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसको देख लेते हैं आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टेनस ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है परफेक्ट कॉन्टेनेस का मतलब है काम हो भी चुका था और अभी चल भी रहा था मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेनेस पढ़ाया है लास्ट वीडियो में आप देख लेना उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सिंस और फोर जरूर मिलेगा परफेक्ट में सिंस और फोर का यूज आपको करना होता है टाइम के लिए मैंने बताया था सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो पर्टिकुलर टाइम होता है और फोर का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कि एक्शन को शुरू हुए कितना टाइम हो गया है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था अच्छा हिंदी तो सेम होगी हिंदी तो इसकी भी रहा था, रहा था था रही रही थी थी रहे रहे थे थे ही होगी और हिंदी तो यही होती है बस इसमें क्या होगा टाइम आ जाएगा ठीक है जैसे बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे थे तो दो घंटे पढ़ भी चुके थे और दो घंटे के बाद भी पढ़ रहे थे बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेनस हो जाएगा ठीक है और बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे थे तो पास परफेक्ट कॉन्टिनस हो जाएगा ठीक है बहुत सिंपल है धीरे धीरे से आप देखिए मैं एक एक क्लास में एक एक टेंसेस पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए जो सेम वीडियोस पीछे पड़ी हुई हैं नई वीडियोस में गैप जो आया है उसको यूटिलाइज करिए ठीक है।, है वी शुड ऑलवेज लर्न टू तो यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है जो क्लासेस नहीं हुई है वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर रिविजन तो उसमें रिविजन करना था ठीक है चलिए तो ये हो गया अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं फर्स्ट अफर्मेटिव होता है जैसा हमने सारे टेंसेज में पढ़ा है वैसे ही इसमें पढ़ना है ऑल राइट सो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड द रूल फॉर अफर्मेटिव इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट तो ये रूल होता है जी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेनस में हैज बीन 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 और हैव आता है है यहां पर हैड आ जाता है. क्योंकि आप ध्यान करो पास परफेक्ट टेंस में हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सो बीन इज प्लेइंग द रोल ऑफ थर्ड फॉर्म हियर ठीक है सो ये परफेक्ट टेंस हो गया और क्योंकि एक्शन अभी भी कंटिन्यू है तो आई एनजी हो गया तो मैंने बोला बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे थे तो मैं बोलूंगा एग्जाम्पल लिख लेंगे चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग हैड बीन रीडिंग हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर द लास्ट टू आवर्स चिल्ड्रन है बुक फॉर द लास्ट टू आवर्स अगर यही सेंटेंस मुझे प्रेजेंट में बनाना हो कि बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे हैं तो मैं बोल दूंगा चिल्ड्रेन हैव बीन बस हैड का have हो जाएगा, बाकी सब सेम है बाकी सबसेम है ठीक है तो अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो कि कल बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे थे तो हैड बीन लगा देना प्रेजेंट में बोल रहे हो कि बच्चे दो घंटे से पढ़ रहे हैं तो हैव बीन लगा देना ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको ठीक है इसको नेगेटिव बना लेते हैं आप। आपको पता है मैं हर टेंस में आपको चारों टाइप के सेंटेंसेस बता रहा हूं तो इसका जो नेगेटिव होगा उसमें बस नॉट आ जाएगा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बीन और आईएनजी जो है ये बेस्ट कपल हैं, ये कभी भी अलग नहीं होंगे ध्यान रखना तो नेगेटिव बनाते समय क्या करना है सब्जेक्ट के बाद ड नॉट लगा देना है तो नॉट यहां पर लगेगा ठीक है तो मैं बोल दूंगा चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग बच्चे दो घंटे से कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे तो यह हो जाएगा हैड एंट बीन बस बोलते समय हैडन बोलिएगा मैंने आपको बोला है कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म यूज करिए सो ट्राई टू यूज कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म वेन यू स्पीक इंग्लिश चिल्ड्रेन बीन रीडिंग अ बुक फॉर द लास्ट टू आवर्स मेरे बात बोले रिपीट करो सेंटेंसिस को बिकॉज इट्सन इंग्लिश क्लास प्लीज यू गॉट टू स्पीक सो प्लीज से चिल्ड्रेन बीन रीडिंग अ बुक फॉर द लास्ट टू आवर्स ठीक है बच्चे दो घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं ओके सो आई होप ये क्लियर है नेगेटिव नोट कर लेंगे थर्ड आ जाते हैं इंटरोगेटिव पे इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों को अब तक तो याद हो जाना चाहिए ठीक है कि उसमें डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है हेड आ जाता है सब्जेक्ट आता है बीन प्लस आईएनजी मैं पहले ही बता चुका हूं बीन और आईएनजी को कभी अलग मत करना ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्ग तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या बच्चे दो घंटे से किताब पढ़ रहे थे तो मैं कहूंगा यस चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर द लास्ट टू आवर्स तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं हैड द चिल्ड्रन हैड द चिल्ड्रन बीन

So, if you master the basic tenses that I'm teaching in these classes, you will see the gradual improvement that the sentences are coming out, and the words that I'm discussing, the vocab that I'm giving you, the phrases and the proverbs that I've provided you, listening drills and exercise, and topics like self-introduction, neighborhood. You know and I'll be coming up with some more interesting topics of your immediate surroundings. So guys you got to be consistently watching the videos and repeating them you know you got to watch them over and again for your better improvement. All right so I hope the point is clear and we also ask questions in negative so you know we do interrogative negative as well and when we make interrogative negative sentence, just add the not. So I'll say,

मैं कुछ भी बोलता हूं वो आपको सीखना है बिकॉज यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश एंड स्पेशली स्पोकन इंग्लिश सो प्लीज ट्राई टू कॉपी एंड लर्न द वर्ड्स इन सेंटेंसिस दैट आई स्पीक हियर बिकॉज दैट्स हाउ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश बिगिन सो लीस्ट यूज लीस्ट यूज मीन्स जो बहुत ही कम यूज होती है उसको बोलते हैं लीस्ट all right so i hope the past perfect continuous is clear to you now moving on to our next segment of vocabulary today since i don't have ppt with me so uh, I'm, I'm thinking of giving you some basic vocabulary because that's what best i can do with the whiteboard because i'll be coming up with digital board classes with more ppt's content because i need the ppt for the content to be written there so that we can read and we can do the listening drills and all. Since we do not have as of now, so we'll continue with the whiteboard and we'll do some vocabulary today. So I'll ask my technical team, Sumit Bhaiya, please put the vocabulary sheet on. We want to see the vocabulary sheet on the screen. और इसको मैं कैसे पढ़ पाऊंगा ये भी एक क्वेश्चन है <laughs> तो आई थिंक मेरे पास जो स्क्रीन है, उस पर ये आ जाएगा है ना सुमित जी ओके okay. तो ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं बच्चों ये मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके आसपास जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं बिकॉज आपने ये तो सीख लिया कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं आपने सीख लिए टेंसेज सीख रहे हैं आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं बट इफ़ यू डू नॉट हैव द वोकेबलरी इफ़ यू डू नॉट नो द थिंग अराउंड यू देन व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर देम देन इट्स डिफिकल्ट है ना डन आई होप आप लोगों को अब दिखाई दे रहा होगा यहां पर तो देखिए पहली शीट है हमारी जिसमें मैं आपको कुछ प्रोफेशंस बता रहा हूं ठीक है जो आसपास आपके लोग काम करते हैं उनके प्रोफेशन हैं ये ऑक्यूपेशन हैं कि वो क्या हैं तो देखिए पहला वर्ड है हमारा टीचर दूसरा है डॉक्टर आई होप टीचर डॉक्टर ये बहुत आसान शब्द हैं ये काफ़ी लोगों को पता भी होंगे ठीक है जी और हिंदी में भी लिखा हुआ है सामने ताकि आपको क्लियर रहे तो टीचर है डॉक्टर है इंजीनियर है इंजीनियर आपको पता होंगे टेक्निकल लोग होते हैं जो मशीन्स वगैरह का, का काम करते हैं ठीक है एडवोकेट वकील को बोलते हैं लॉयर को बोलते हैं लॉयर एडवोकेट दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं फिजिशियन डॉक्टर्स को बोलते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर होते, होते हैं जो सर्जरी नहीं करते ठीक है ना? जो नहीं करते वो होते हैं प्रोनाशियन भी हिंदी में लिख दिया है ठीक है सर्जन जो सर्जरी करते हैं जो ऑपरेशन करते हैं जो काट पीट करते हैं आपके पेट को और पेशेंट्स के पेट को आपके नहीं ठीक है सर्जन हाँ जी सो लेट्स मूव ऑन सुमित आगे बढ़ा दीजिए सर्जन के बाद वाली शीट अच्छा इसको तो मेरे पास आने में टाइम लगेगा है ओके okay. huh, 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 huh. मैं देखता हूँ अगर मेरे मोबाइल में जल्दी से अगर ये आ जाएगा तो मैं यहां से बता जी ठीक है तो मर्चेंट देखिए मर्चेंट जो होते हैं ना वो पॉलिटिशियंस तो आपको पता ही है राजनेता राजनीति में जो लोग होते हैं पॉलिटिशियंस हैं ठीक है, है, है? मोदी जी हैं अमित शाह जी हैं राहुल गांधी जी हैं ये सब पॉलिटिशियंस हैं मर्चेंट जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मर्चेंट भी बोलते हैं जो बिजनेस करने आते हैं मैनेजर जो कहीं पर ब्रांच मैनेजर होता है चीजों को मैनेज करता है तो उसको मैनेजर बोलते हैं पोएट कवि को बोलते हैं जो कविता लिखते हैं जो पोएट्री लिखते हैं ठीक है कविता को इंग्लिश में पोएट्री बोलते हैं टी आर वाई हो जाता है पोएट्री ठीक है और प्रोज राइटर कौन होते हैं जो जो कहानियां लिखते हैं ठीक है जो प्रोज लिखते हैं प्रोज माने क्या होती है जो स्टोरी होती है ठीक है जो स्टोरी लिखते हैं उन्हें प्रोज राइटर बोलते हैं राइटर जो कुछ भी लिख रहा है ठीक है राइटर होते हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर या कुछ ऑथर बुक्स के ऑथर होते हैं ठीक है जो बुक्स लिखते हैं उन्हें ऑथर बोलते हैं तो इस तरीके से देखिए ये सब वर्ड बड़े कॉमन हैं और डे टू डे यूज में आते हैं सो आई होप यू मस्ट नो देम यू मस्ट बी नोइंग सम ऑफ देम ऑलरेडी बट यू मस्ट आल्सो नो all these words ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ तो नेक्स्ट शीट हमारी आती है नॉवेलिस्ट से स्टार्ट होता है यहां पर नॉवेलिस्ट होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं तो उनको नॉवेलिस्ट बोलते हैं देखिए राइटर के लिए कितनी वैरायटी है ऑथर जो बुक लिख रहा है नॉवेलिस्ट जो नोवेल लिख रहा है है ना तो इस तरीके से अलग-अलग वर्ड होते हैं मैं नेक्स्ट शीट पर आ जाता हूं आ गए हैं हम नेक्स्ट शीट पर देखिए एडिटर कौन होते हैं जो एडिट करते हैं कंटेंट को मतलब कंटेंट लिखा हुआ आ गया उसके अंदर वो एडिट करते हैं कुछ चेंजेस करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है तो उनको एडिटर बोलते हैं एडिटर भी राइटर भी हो सकते हैं एडिटर इसमें कोई वो नहीं है न्यूज़पेपर एडिटर्स जो होते हैं वो राइटिंग भी करते हैं पब्लिशर्स होते हैं जो किताबों को पब्लिश करते हैं जो बुक्स हम खरीदते हैं मार्केट में वो पब्लिशर्स लाते हैं जैसे कई सारे फेमस पब्लिकेशंस हैं ठीक है आर्टिस्ट एक्टर्स को बोलते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस ठीक है एक्टर मेल जो मैन होते हैं उनको एक्टर बोलते हैं और जो फीमेल होते हैं उनको एक्ट्रेस बोलते हैं एक्टर एक्ट्रेस ठीक है और दोनों को आर्टिस्ट बोल सकते हैं डांसर आपको पता ही है जो डांस करे ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा में रोल प्ले करते हैं वो भी आर्टिस्ट ही होते हैं एक्टर ही होते हैं ड्रामेटिस्ट बोल देते हैं उनको मजिशियन जो जादू दिखाते हैं आपको ठीक है और आर्टिस्ट पेंटर जो पेंट करते हैं तो वेरी इजी वर्ड्स आई गेस इसमें से मैक्सिमम वर्ड आपको ऑलरेडी पता भी होंगे बट आई जस्ट ब्रॉट इट कि कुछ बच्चे अगर ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद ये वर्ड फेमिलियर नहीं है तो आई थॉट कि इसको लाना चाहिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट शीट नेक्स्ट शीट पर आप चलेंगे तो फोटोग्राफर पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है फोटोग्राफर यहाँ पर पहला वर्ड दिखाई दे रहा होगा तो फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है ठीक है और उसके बाद है जूलर ठीक है इसको ज्वेलर बोलते हैं हाँ, ज्वेलरी होता है और ये भी ध्यान रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो इसको कई लोग ज्वेलरी बोलते हैं ज्वेलरी नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी ठीक है इट्स नॉट ज्वेलरी इट्स ज्वेलरी बोलिए बोलने की कोशिश करिए रिपीट आफ्टर मी ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी ओके okay? सो so, ज्वेलर लेकिन जो ज्वेलरिंग काम काम करते हैं जो उनको ज्वेलरी ज्वेलर बोलते हैं ठीक है गोल्ड mm. स्मिथ होते हैं सुनार जो उनको बेचते हैं या जो डिजाइन बनाते हैं तो गोल्ड स्मिथ गोल्ड वर्ड आ रहा है आसानी से याद हो सकता है गोल्ड स्मिथ ठीक है ऐसी स्मिथ वर्ड ब्लैक स्मिथ होते हैं ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहे का काम करते हैं ठीक है उसमें ब्लैक बढ़ा रहा है और गोल्ड जो गोल्ड स्मिथ हो गया तो वो गोल्ड का काम करते हैं तो गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ जो लोहे का काम करे वो ब्लैक स्मिथ जो गोल्ड का काम करे वो गोल्ड स्मिथ ठीक है कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं गवर्नमेंट से और फिर रोड बनाते हैं घटिया सी ठीक है ना वो गड्ढे गड्ढे वाली रोड आप चलते भी हो गए उसमें ठीक है ड्राफ्ट्समैन ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो मैप बनाते हैं जो मैप हम यूज करते हैं किसी भी जो आर्किटेक्चर होते हैं जैसे आर्किटेक्ट डिजाइन आपने सुना होगा ना घर का मैप बनाते हैं तो आर्किटेक्ट जो होता है उसको तो बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज होती है एक होता है सिर्फ मैप बनाना लेकिन उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी भी होती है तो आर्किटेक्ट का जॉब बहुत बड़ा होता है ड्राफ्ट्समैन सिर्फ मैप बनाता है ओवरऑल जो बड़ा बड़ा सा मैप बनता है इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है आपको पता है जो किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करता है मतलब क्वेश्चन पूछ पूछ कर लोगों से उसकी डिटेल इकट्ठी करता है इंस्पेक्ट inspect करना इंस्पेक्टर का, का काम होता है इंस्पेक्ट करना ठीक है सैनिटरी होते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं जो क्लीन करते हैं आसपास तो उसको आप सैनिटरी बोल सकते हैं ठीक okay. है इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एग्जामिनर शीट लग गई सुमित जी नेक्स्ट वर्ड हमारा एग्जामिनर आ जाता है एग्जामिनर आपको पता ही है जो परीक्षा में आता है परीक्षक होता है इनविजिलेटर भी बोलते हैं इसको आपने सुना होगा जब आप कई पेपर देने जाते हैं तो टीचर्स जो आते हैं वो उनका काम सिर्फ ये होता है कि आप पेपर दे रहे हैं वो देखेंगे वो आपकी कोई किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकते तो उनको इनविजिलेटर भी बोलते हैं या एग्जामिनर भी बोलते हैं हैं ठीक है सेलर होते हैं जो शिप्स पे काम करते हैं जो क्रू शिप क्रू में काम करते हैं ना इसको शिप क्रू बोलते हैं जो शिप पे क्रू मेंबर्स में होते हैं सेलर्स होते हैं व्हाइट यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा ठीक है कैशियर जो कैश का काम करते हैं जो कैश काउंटर पे बैठते हैं किसी शोरूम में या शॉप पे केमिस्ट जो दवाइयों का काम करते हैं ठीक है केमिस्ट <coughs> दवाइयों का काम करते हैं कोई प्रॉब्लम रिकॉर्ड तो हो रहा है ना

ट्रेजरर ट्रेजरर होते हैं जो किसी ट्रेजरर जो खजाना खजाने का ध्यान रखे उसको ट्रेजरर बोलते हैं ठीक है जो किसी के खजाने का ध्यान रखे ट्रेजर ट्रेजर माने खजाना होता है तो ट्रेजरर हो गया जो खजाने का ध्यान रखे ठीक है कलर्क आपको पता ही है व्हाइट कॉलर जॉब होती है जिसका सिंपल काम होता है एक सॉफ्टवेयर पर एंट्री करना ठीक है कलर्क की जो जॉब्स होती हैं ट्रेन टिकट एग्जामिनर आपको पता है टीटी बोलते हैं इसको कई लोगों को मैंने सुना है टीसी टीसी नहीं होता भाई टीटी होता है ठीक है टिकट चेकर होता है वो ठीक है ट्रेन टिकट एग्जामिनर होता है, आ, टी -टी है टीसी होता है टीटी बोलते हैं टीसी होता है ठीक है ना टिकट चेकर जो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोल रहे हैं तो देखिए रिटेलर होते हैं जो छोटी छोटी दुकान होती हैं एक होता है होलसेलर होलसेलर क्या करता है बल्क में माल देता है तो रिटेलर जो है वो होलसेलर से माल लेते हैं देखिए होलसेलर माल लेता है, है मैन्युफैक्चरर से तीन वर्ड है यहां पर मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है जिसकी बड़ी फैक्ट्री है बल्क में माल बन रहा है वहां से होलसेलर खरीदता है बल्क में वो भी बल्क में खरीदता है लेकिन उतना नहीं खरीदेगा जितना मैन्युफैक्चरर बना रहा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो उसके जैसे होलसेलर दस होंगे उस है ना तो मैन्युफैक्चरर सबसे बड़ा होता है उसके नीचे आते हैं होलसेलर और फिर होलसेलर से खरीदते हैं रिटेलर और रिटेलर से खरीदते हैं हम तो देखिए मैन्युफैक्चरर भी अपना प्रॉफिट रखता है होलसेलर को बेचता है फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट रखता है रिटेलर को बेचता है और रिटेलर अपना प्रॉफिट रखता है कस्टमर को बेचता है इस तरीके से इस एक प्रोडक्ट दस रुपए में बना वो बारह में होलसेलर के पास गया चौदह रुपए में फोर्टीन रुपीज में रिटेलर के पास और सिक्सटीन रूपीज में हमारे पास तो दस रुपए का प्रोडक्ट हम सिक्सटीन रुपीज में खरीदते हैं ऐसा होता है ठीक है ब्रोकर होते हैं जो दलाल होते हैं जो बीच में ब्रोकरी करते हैं ठीक है जैसे आप कोई मकान खरीदते हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं वहां पर ब्रोकर होते हैं वो आपको जो लैंडलोर्ड होता है और जो टेनेंट होता है किराएदार को टेनेंट बोलते हैं तो लैंडलोर्ड और टेनेंट को मीट कराता है ब्रोकर बोलते हैं ठीक है ऑक्शनर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं नेक्स्ट ये है ऑक्शनर ऑक्शनर का मतलब होता है जो ऑक्शन कराता है यानी कि जो बोली लगवाता है जैसे कोई प्रॉपर्टीज बिक रही है या कोई कार बिकती है या कुछ भी सामान आप बेचते हैं तो ऑक्शन होता है ना 2001 2002 2003 सोल्ड ऐसे करके ऑप्शन होता है लोग बोलियां लगाते हैं बिड है ना बोली को क्या बोलते हैं बच्चा बोली को बोलते हैं बिड सो यू नीड टू गेट फेमिलियर विद वर्ड्स बिकॉज इफ यू हैव वर्ड्स एंड यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देन ओनली यूल टू स्पीक इंग्लिश सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बोथ थिंग्स एम ट्राइंग टू गिव यू सम इमीडिएट सराउंडिंग्स वर्ड्स इमीडिएट सराउंडिक्स एंड आइडियाज एंड थॉट्स एंड एज वेल एज गिविंग यू द ग्रामर

कैन बी हैव सुमित जी हियर सुमित जी को बुलाना पड़ेगा सुमित जी नेक्स्ट शीट लगा दीजिए हम्म आ आगे हाँ जी तो देखिए ये केमिस्ट ड्रगिस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चा बहुत सारे वर्ड हैं ठीक है केमिस्ट हैं ड्रगिस्ट हैं जो दवाइयों का काम करते हैं सीड्समैन वो होंगे जो बीज का काम करेंगे क्योंकि सीड माने बीज होता है ठीक है शॉपकीपर आपको पता ही है दुकानदार को बोलते हैं कांस्टेबल भी आपको पता ही है पुलिस वाले जो कॉन्स्टेबल होते हैं सिपाही होते हैं एजेंट भी आपको पता है है ना कुछ एजेंट होते हैं इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जैसे जो काम करते हैं कंपाउंडर जो डॉक्टर्स के हेल्प करते हैं दवाई बनाने में उनको कंपाउंडर बोलते हैं वैक्सीनेटर जो वैक्सीन लगाते हैं ठीक है जो इंजेक्शन लगाते हैं आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बन गई है तो जो वैक्सीन लगाते हैं उन्हें वैक्सीनेटर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट शीट में है ये वैक्सीनेटर सुमित जी चेंज कर दीजिए जल्दी से वैक्सीनेटर जो वर्ड है वो नेक्स्ट शीट में है जल्दी से बच्चों को दिखाइए लग गया तो वैक्सीनेटर है नर्स आपको पता ही है डॉक्टर की हेल्प कर ठीक है तबला प्लेयर जो तबला बजाते हैं कंपोजिटर होते हैं जो बेसिकली uh, कंपोजिटर होते हैं जो किसी भी चीज को कंपोजिट करते हैं मतलब मिलाने का काम करते हैं टाइपिंग का काम करते हैं ठीक है प्रिंटर होते हैं जो किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं फार्मर किसान होते हैं पता है आपको मिल्कमैन का मतलब होता है जो दूध वाले हैं आई होप ये वाला शीट आ गया है ठीक है फार्मर मैन वाला आ गया सुमित जी तो फार्मर मिल्क मैन हो गया मिल्क मेड हो गया मिल्क मेड जो है वो लेडी हो जाती है मैन माने लेडी हो जाता है मेड माने मैन माने माने आदमी हो जाता है मेड लेडी हो जाता है ग्रीन वेंडर ठीक है जी ग्रीन वेंडर होगा जो सब्जी बेचता है हिंदी में कुंजड़ा इसको शायद बोलते हैं बूचर जो होते हैं वो कसाई होते हैं जो जहाँ पर नॉनवेज वगैरह काटा जाता है कुक आपको पता ही है जो खाना बनाए कन्फेक्शनर होते हैं हलवाई है ना देखिए कन्फेक्शनरी शॉप्स भी होती हैं जहाँ पर आपको इस तरह का आइटम मिलता है बेकरी आइटम मिलते हैं बिस्किट्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह स्वीट्स वगैरह तो कन्फेक्शनरी शॉप होती हैं तो कन्फेक्शनर मतलब हलवाई होता है बेकर हो गया जो बेकरी से रिलेटेड चीज बनाएगा वेटर हो गया जो वेटर से रिलेटेड चीजें आपको पता ही है होटल में वेटर होता है खाना खिलाता है ये नेक्स्ट शीट में है बेकर वेटर आ गया टेलर होते हैं जो कपड़े बनाते हैं वॉशरमैन जो कपड़े धोता है ध्यान रखिए वॉशर वूमेन तो वो भी कपड़े धोएगी दो भी दो भी लिखा हुआ है यहां पर बार बार जिससे आप अपने हेयर कट कराते हैं या शेप कराते हैं उसको बार बार बोलते हैं गार्डनर माली होते हैं जो आपके गार्डन का ध्यान रखते हैं पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं नेक्स्ट शीट पी जो होते हैं वो चपरासी होते हैं जो आपने देखा होगा छोटे मोटे काम करते हैं ऑफ़िस के अंदर स्कूल के अंदर पानी पिलाते हैं दरवाज़ा बंद करते हैं खोलते हैं तो उनको पी बोल सकते हैं वॉचमैन तो चौकीदार होता है जो ध्यान रखता है कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है और वैसे भी ध्यान रखता है मिड दाई को बोलते हैं जो बेसिकली प्रेगनेंट वुमेन की हेल्प करती हैं है ना नर्स की तरह होती हैं मिडवाइफ़ बट ये पहले ज़माने में तो दाई जो होती थी उनको ही यूज़ किया जाता था वो डॉक्टर होती थी घरों में ठीक है मैसन uh, मजदूर uh, को बोलते हैं राजमिस्त्री जो होते हैं जो घर में ईंटों को चिनाई करते हैं उन्हें मैसन बोलते हैं ठीक है मैकेनिक आपको पता ही है जो गाड़ी वाड़ी सही करे मिस्त्री होता है ब्लैक स्मिथ मैंने अभी बताया था गोल्ड स्मिथ जो होता है वो सुनार होता है ब्लैक स्मिथ जो होता है वो लोहार होता है ठीक है पेंटर आपको पता ही है जो रंग से काम करे डायर 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 होते हैं जो डाई का काम करते हैं डायर डाई कराते हैं ना हम कपड़ों को डाई कराते हैं कलर चेंज कराते हैं तो वो डायर होते हैं ठीक है आर्टिसन किसी भी चीज़ के हाथ के कारीगर को आप आर्टिसन बोल सकते हैं ठीक है स्कल्प्टर होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं स्कल्प्टर अब ये वर्ड पता होने चाहिए जो कॉमन है ना बारबर स्कल्प्टर ठीक है जो हम डे टू डे इन लोगों से मिलते हैं तो ऐसे वर्ड हमें पता होने चाहिए ठीक है ग्लेजियर होते हैं जो शीशे का काम करते हैं ना क्योंकि शीशा ग्लेज करता है चमक मारता है इसलिए उनको ग्लेजियर बोलते हैं जो शीशे का काम करते हैं कारपेंटर होते हैं बड़ाई जो लकड़ी का काम करते हैं ठीक है पॉटर होते हैं जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बना अब ये वर्ड पता होने चाहिए आपको इफ यू नो दीज वर्ड ओनली यू कैन मेक सेंटेंसेज ठीक है ना वीवर होते हैं जो वीव करते हैं जो बुनते हैं किसी चीज को बुनने का जो काम होता है धागे से जो बुना जाता है कोई चीज धागे से कपड़ा बनता है या स्वेटर बनता है तो वो वीवर होते हैं ठीक है और ब्रेजर होते हैं हाँ जी ब्रेसर लिखते हैं ये 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 बर्तनों का ही काम करते हैं ब्रेसर लोग जो होते हैं ठीक है नेक्स्ट शीट पर आ जाते हैं काफी सारे प्रोफेशन इसमें हमने मेंशन किए हुए हैं ठीक है थीके? बीटल सेलर होते हैं जी जो बीटल माने होती है सुपारी तो बीटल सेलर होते हैं जो पनवाड़ी होते हैं ना पान खाते हैं जिनके यहाँ जाकर लोग तो उसको बीटल सेलर बोलते हैं देखिए कितना कितना कॉमन सा यू यूज़ है वर्ड का ना कितना कॉमन वर्ड है आसपास आप देखते हैं पान की दुकानें होती हैं पनवाड़ी होता है भैया होता है गुटखा बेचता है आ, पान बेचता है सबकी सेहत ख़राब करता है लेकिन वर्ड तो है ना बीटल सेलर उसको बोलते हैं ऑयल मैन जो ऑयल को बेचेगा कार्डर हो गया जो दुनिया दुनिया किसको बोलते हैं भाई कार्डर हिंदी में दुनिया लिखा हुआ है आ, ये लोग क्या काम करते हैं दुनिया का मीनिंग क्या होगा भाई हिंदी में कोई है हमारे यहां जो फेमिलियर हो कार्डर एक मिनट इसको छोड़ दीजिए जरा नेक्स्ट वर्ड पर आएंगे न्यूज़पेपर वेंडर जो अखबार वाला भैया होता है हॉकर होते हैं जो जोर से आवाज लगा लगा कर सामान बेचते हैं ठीक है और ये जो शॉफर वर्ड है ये देखिए ये शॉफर वर्ड का मतलब ड्राइवर होता है जो कार के ड्राइवर होते हैं उनको शॉफर बोलते हैं कंडक्टर आपने बस में देखे होंगे वो ड्राइवर की हेल्प करते हैं बुक बाइंडर हो गए जो बुक पे बाइंड uh, करते हैं जिल्द आप जल्द चढ़ाते हैं आप ठीक है कैरियर हो गए जो सामान इधर से उधर कैरी करते हैं आपका वाटर कैरियर हो गए जो पानी कैरी करते हैं इंकमैन हो गया जो आ, इंक मैन लिखा है रोशनाई वाला ये भी छोटा साथ के साथ आ रहा है आप ठीक है मुझे लगा साथ के साथ नहीं आ रहा है इसलिए मैं इधर पढ़ रहा था ठीक है तो ये बटलर हो गया बटलर तो सर्वेंट को बोलते हैं डियर ठीक है नेक्स्ट शीट कर दीजिए ठीक है इसके बाद आप सुमित जी शीट चेंज कर दो है ना ये बहुत हो गए वर्ड ये वाले आप अब दूसरी शीट्स लगा दो जिसमें हमने एनिमल्स के नाम और छोटी मोटी चीज़ों के नाम रखे हैं अब वो वाली शीट लगा दीजिए मैं जल्दी से उसको बस बच्चों के साथ डिस्कस कर देता हूँ तो ये वर्ड भाई आपको सीखने चाहिए ये वर्ड आपको पढ़ते रहने हैं तो ये वीडियो देख लीजिए ना जब भी आपको कुछ बेसिक वर्ड पढ़ने हो याद करने हो तो आपको इस वर्ड वीडियो में वो वर्ड मिल जाएंगे जो बेसिक से वर्ड है सुमित जी जल्दी से वो लगा दीजिए प्रोफेशंस काफी हो गए आई थिंक ज्यादा ही हो गए ठीक है हाँ जी देखिए ये प्ले थिंग्स आप देख सकते हैं है ना आपके आसपास ये चीज़ें होती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए बाइसाइकल हो गया ट्रेन हो गया डॉल बॉल काइट है ना टॉप लट्टू को बोलते हैं लट्टू खेलते हैं ना टॉप बोलते हैं उसको स्किपिंग रोप रस्सा बोलते हैं जिसको है ना बैट हो गया फुटबॉल हो गया ड्रम हो गया बजाने वाला तो ये बेसिक वर्ड आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट शीट कर दीजिए सुमित जी प्ले थिंग्स के बाद तो ये खेलने वाली चीजें आपके आसपास घरों में है तो आई थॉट कि आपको पता होनी चाहिए जैसे स्किपिंग रोप हो सकता है आपको ना पता हो कुछ बॉल बैट ट्रेन ये तो है बट एक दो डेफिनेटली ऐसे निकल जाएंगे जो फेमिलियर नहीं होंगे तो हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं ठीक है प्ले थिंग्स के बाद कौन सी शीट आ रही है सुमित जी हाँ होम से रिलेटेड वर्ड यहां पर आ जाते हैं देखिए होम जो घर होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं तो डोर भाई दरवाजे को बोलते हैं विंडो खिड़की को लॉक हो गया ताले को बोलते हैं की चाबी को बोलते हैं फैन पंखे को बोलते हैं अम्ब्रेला छाते को बोलते हैं है, आयन जो होता है वो जो प्रेस है ना लोग प्रेस वर्ड को प्रेस नहीं होता है भाई आयन बोलते हैं और आयरन नहीं होता प्रेनसिएशन होती है आयन है ना तो अगर आप किसी से कहते हैं कि मेरी शर्ट प्रेस कर दो तो आप बोलेंगे प्लीज़ आयन माय शर्ट ठीक है यार्न माने धागा होता है या ऊन को भी बोल सकते हैं हैमॉक जो होता है वो झूला आपने देखा होगा आ, ये आ, ये कपड़े का झूला होता है बेसिकली पेड़ पर लगाते हैं इसको आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो उसको हैमॉक बोलते हैं क्रिएचर्स में आ जाते हैं क्रिएचर्स के अंदर देखिए मॉस्किटोस आपको पता होना चाहिए कि जो रात को आपको सोने नहीं देता आपके कान में म्यूजिक गाता है है ना तो उसको मॉस्किटोज बोलते हैं मच्छर को बोलते हैं कॉकरोच तो आई होप सबको पता ही होगा काफ़ी लोग डरते भी होंगे कॉकरोच से क्रिकेट क्रिकेट होते हैं बेसिकली उड़ने वाले झिंगूर टाइप होते हैं झिंगूर आई आई होप आपको पता होगा और नहीं तो फोटो देख सकते हैं गूगल करके आप इसकी ठीक है बटरफ्लाई तितली को बोलते हैं स्पाइडर मकड़ी को बोलते हैं मकड़ी होती है ना इतने सारे पैर होते हैं उसके तो स्पाइडर बोलते हैं लिजर्ट छिपकली घरों में दिखाई देती है तो पता होना चाहिए कि भाई ये लिजर्ट है है ना और यू कैन शो दिस वीडियो टू टू चिल्ड्रन एज वेल बिकॉज दे कैन ऑल्सो लर्न दीज वर्ड्स है ना आपको स्क्रीन पे पेज भी दिखाई दे रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और मैं बोल भी रहा हूँ सो जस्ट प्ले दिस वीडियो फॉर द चिल्ड्रन ठीक है अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे कुछ लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं तो ठीक है फ्लाई मक्खी हो गई बी मधुमक्खी हो गई देखिए डिफरेंस है फ्लाई माने नॉर्मल मक्खी होती है बी माने मधुमक्खी होती है एंट चीटी को बोलते हैं टर्माइट दीमक को बोलते हैं जो घर में लकड़ी में दीमक लग जाती है तो उसको टर्माइट बोलते हैं ठीक है, है? नेक्स्ट शीट देख लेते हैं क्रिएचर्स के बाद हमारी कौन सी आ रही है आ गया हाँ सिंबल्स देख लीजिए आपको पता होना चाहिए भाई रूपी ये रूपी का सिंबल भी सामने मैंने बनवाया हुआ है ना? Plus, minus, है ना प्लस माइनस बोलते हैं जमा घटा ठीक है हिंदी में भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन ठीक है जीरो इक्वल एंड और ये ब्रैकेट होता है आई होप वेरी सिंपल वर्ड्स यू ऑल नो दीज वर्ड्स आई गेस आई एम गेसिंग इट आई आई एम अज्यूमिंग इट दैट यू ऑलरेडी नो दीज वर्ड्स बट आई हैव स्टिल

स्लीपिंग थिंग्स ओके तो स्लीपिंग थिंग्स पहले आ गई है तो क्लोज में देखिए शर्ट आपको पता है कमीज को बोलते हैं नैपी रुमाल को भी नैपी बोलते हैं बच्चों के जो डायपर्स होते हैं उन्हें भी नैपी बोल सकते हो आप वैसे डायपर्स भी बोलते हैं फ्रॉक आपको पता है छोटी बच्चों की होती है फ्रॉक होती है ठीक है वेस्ट बनियान को बोलते बनियान बनियान मत करा करो वेस्ट बोला करो यार बनियान वैसे भी थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं लगता मुझे बनियान पता नहीं क्यों मैं पर्सनली भी कभी नहीं बोलता बनियान वेस्ट बोला करो है ना अंडरवियर बोला करो भाई ठीक है चड्डा चड्डा करते रहते हैं पता नहीं अब मिस्टर चड्डा बुरा मान जाए तो मिस्टर चड्डा कहेंगे बताओ ये चड्डा चड्डा बोल रहे हैं ऐसे तो अंडरवेयर बोला करो कुर्ता ठीक है कुर्ता तो पता ही आपको यूनिफॉर्म वर्दी को बोलते हैं स्कूल यूनिफॉर्म होती है सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है पैंट्स ये पैंट्स होता है ठीक है कोई भी ऐसी चीज जिसके दो पार्ट हैं इंग्लिश में उसको प्लूरल करना पड़ेगा तो पैंट्स में दो लेग्स होते हैं इसीलिए पैंट्स होता है इसमें एस लगा लेना जैसे जीन्स हो गया ठीक है लेस लेस माने वैसे ये जो शू लेसिस होते हैं शू लेसिस, लेसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो शूज लेसिस होते हैं जो हम बांधते हैं सुमित जी फीते बोलते हैं जी जूते के फीते बांध ले फीते ठीक है स्लीपिंग थिंग्स में आ जाते हैं जी मैट चटाई को मैट बोलते हैं चटाई चटाई क्या होता है मैट बोला करो थोड़ा अच्छा लगता है आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं भाई ना कर्टेन्स पर्दे को बोलते हैं ठीक है जो घर में हम पर्दे टांगते हैं उनको करटेन्स बोलते हैं क्विल्ट रजाई को बोलते हैं जो आजकल यूज भी कर रहे हो पता है क्या बोलते हैं क्विल्ट बोलते हैं क्विल्ट है, बच्चों को सिखाओ खुद भी सीखो कारपेट जो घरों में कारपेट आप बिछाते हैं या दरी बोल सकते हैं आप टॉवल तोलिए को टॉवल बोलते हैं पिलो तकिया होता है है ना कुशन कुशन याद रखो छोटे छोटे से जो तकिए होते हैं ना सोफे पे रखे होते हैं उनको कुशन बोलते हैं ठीक है पिलो बड़ा होता है कुशन छोटे छोटे होते हैं ठीक है ब्लैंकेट कंबल को बोलते हैं कॉटन रुई होती है नेपकिन रुमाल को बोल सकते हैं और सॉक्स जुराबों को बोलते हैं नेक्स्ट कौन से आ रहे हैं पे आ जाओ जी तो टूल्स देखिए आसपास हम घर में यूज करते हैं जैसे एक्स ए एक्स ई -E एक्स कुल्हाड़ी को बोलते हैं प्लाफ प्लाफ माने हल होता है जो किसान यूज करता है सो एस डब्ल्यू यहां सौ का मतलब देखना नहीं है आरी है जिससे काटते हैं लकड़ी वगैरह काटते हैं आरी सौ बोलते हैं नेल जो कील होती है, हैमर से आप नेल को क्या करते हैं ठीक है, है? आ, प्रेस कर देते हैं हैमर हथोड़ी होती है सीजर्स इसको सीजर्स ही बोलते हैं डियर इंग्लिश में जिस भी चीज के दो पार्ट होंगे वहां एस अपने आप लग जाता है ध्यान रखना तो सीजर्स कैंची को बोलते हैं प्लायर प्लायर क्या होता होता है है जो है ना आ, आ, नहीं पेचकस नहीं वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको प्लास बोलते हैं हम प्लास बोल देते हैं प्लास होता है ना जैसे वायर ऐसे पकड़ के काटते हैं उसको तो प्लायर बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर होता है पेचकस क्योंकि स्क्रू माने पेज होते हैं तो पेज को ऐसे खोलते हैं तो इसलिए स्क्रू ड्राइवर टेप आपको पता ही है लेडर माने सीढ़ी होता है जो सीढ़ी रखते हैं ना हम कहीं पर तो उसको लेडर बोलते हैं सांप सीढ़ी एक गेम खेलते होंगे आप उसको स्नेक एंड लेडर बोलते हैं ठीक है गेम्स के नाम भी मेरे ख्याल से शीट में आएंगे आपके सामने गेम्स के नाम भी होते हैं जैसे छुपा छुपी हम खेलते हैं तो उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं ठीक है गेम्स के नाम भी होते हैं किचन के आइटम देख लो टोंग्स माने चिमटा होता है जो चिमटे से रोटी बनती है उसको टोंग्स बोलते हैं और ये बॉल होता है बाउल नहीं होता ठीक है कटोरा जो होता है उसकी इंग्लिश बाउल नहीं होती बॉल होती है नाइफ चाकू हो गया स्पून चम्मच हो गई केटल केतली होगी जो चाय की केटल होती है ठीक है जग आपको पता ही है पानी का होता है ये एम्ब्रॉयडरी वर्ड हटा देना भाई है ना एम्ब्रॉयडरी तो कपड़ों पे होती है ठीक है ये एम्ब्रॉयडरी का मतलब कढ़ाई नहीं होता ये वो वाली कढ़ाई नहीं है जिसकी यहां पर बात की जा रही है उस वाली कढ़ाई को तो कॉल्ड्रन बोलते हैं जो रसोई में किचन में जो कढ़ाई होती है उसे कॉल्ड्रन बोलते हैं ठीक है थेके? ये एम्ब्रॉयडरी वर्ड यहाँ पर गलत टाइप हो गया है एम्ब्रॉयडरी तो कपड़ों पर होती है है ना कपड़ों पर जो हाथों से एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन होता है जो कढ़ाई जिसमें हम लोग पूरी तलते हैं पूरी जो पर फ्राई करते हैं हम तो वो कॉल्ड्रन होता है ठीक है और फ्राई पैन होता है जिसमें हम प्याज वगैरह टमाटर वगैरह फ्राई करते हैं ठीक है और जिसमें चाय बनाते हैं वो सॉसपेन होता है ये वर्ड आपको पता होने चाहिए ठीक है जब भी तो इंग्लिश बोल पाओगे सॉसपेन चाय बनती है फ्राई पेन चीजों को फ्राई करते हैं कॉल्ड्रन कढ़ाई जिसमें सब्जी बनती है प्रेशर कुकर तो आपको पता ही होगा ठीक है लिड माने ढक्कन होता है किसी भी किचन में जब कोई चीज रखी है उसका ढक्कन है तो उसको लिड बोलते हैं ठीक है थीके? लेडल लेडल क्या है ये करछुल करछुल क्या, क्या होता है भाई लेडल क्या होता है लेडल तो मेरे हिसाब से वो आ, इस टाइप का जो मटके के अंदर जो डला होता है ना या, या बड़ा सा चम्मच होता है एक चम्मच होता है उसमें ऐसे या चमचा हम जिसको चमचा बोलते हैं ना वो लेडल होता है इंग्लिश में ठीक है चमचे को लेडल बोलते हैं भाई हाँ शायद हिंदी में उसको करछू बोल रहा है वो है ना ठीक है तो ये हो गया आपका ये हो गया शेप्स आ गई शेप्स पे आ जाइए सर्कल है ना गोल गोल होता है सर्कल ट्राइंगल जिसकी तीन साइड होती है ट्राई माने थ्री होता है square, जिसकी चार साइड होती है ठीक है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं है ना अब यही शीट अगर मेरे पास पीपीटी होती ना मैं पीपीटी में दे पाता आपको तो मैं शेप बना के दिखा वहां पर बना के लाता बट अब अभी हमारे पास थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं है तो इसी से काम चलाएंगे ठीक है ओवल शेप होती है अंडे जैसी ठीक है आ, स्टार आपको पता ही होगा सिता ता, तारे जैसे होते हैं पेंटागन होता है जिसकी पांच बुझाएं होती हैं ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पांच बुझाएं होती हैं उसकी शेप देख लेना हेक्सागन में छह आ जाएंगी ठीक है और आ, क्यूब बोलते हैं क्यूब आपने देखा होगा आ, वो पजल आती है क्यूब सोल्व करने वाली है ना जिसमें सारे कलर मैच करने होते हैं उसको क्यूब बोलते हैं ठीक है उस तरह की शेप की चीज को क्यूब बोलते हैं और सिलेंडर सिलेंडर जैसी शेप शेप को सिलेंडर बोलते हैं चेंज कर दीजिए सुमित जी जल्दी जल्दी काफी सारे वर्ड यहां पर हो रहे हैं बर्ड्स आ गए पैरेट माने तोता होता है जी क्रो माने कौआ होता है घर के आसपास ये सब दिखते रहते हैं तो पता होना चाहिए इंग्लिश में कुकू कोयल को बोलते है, हैं हेन मुर्गी होती है पिकॉक मोर होता है स्पैरो स्पैरो चिड़िया को बोलते हैं ठीक है गौरैया चिड़िया होती होंगी औ माने उल्लू काइट माने चील होता है है ना मैना माने तो मैना ही होता है एक बर्ड होता है ये भी ईगल बाज को बोलते हैं और डक बोलते हैं बत्तख को तो ये कुछ कॉमन से बर्ड्स नेम है जो पता होने चाहिए मैंने देखा है कि बच्चों को नहीं पता होते कई वर्ड इसीलिए ये शीट यहां पर लाई गई है नेक्स्ट शीट कर दीजिए सुमित जी जल्दी से बर्ड्स के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है देखते हैं स्कूल थिंग्स है ना कुछ चीजें जो स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं जैसे बैग आपको पता है पेंसिल शार्पनर पता होगा जिससे पेंसिल छीलते हैं बुक पता है इरेजर रबड़ रबड़ बोलते हो ना इरेजर बोला करो ब्लैक बोर्ड ब्लैक कलर का होता है चौक जिससे टीचर लिखता है चौक होती है डस्टर जिससे हम रब कर देते हैं पेंसिल आपको पता ही है कॉपी भी पता ही है नेक्स्ट शीट कर दीजिए सुमित जी जल्दी से तो ये पूरा क्लास हमारा वोकैबलरी पे डेडिकेटेड है जी तो ये इस तरह के वर्ड आपको मास्टर करने हैं तो मैं चाहता हूं कि ये 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 वर्ड की कमी ना हो आपके पास अब आप इन वर्ड्स को यूज करके और टेंसिस में जो आपको यूज तो करना सुमित जी कंप्लीट हो गया चलिए तो ये वोकैबुलरी हमारी कंप्लीट हो गई जी आई होप इतना ही बहुत है आज के सेशन में आप ये जो वीडियो है ये बार बार देखिए ताकि आपको इस तरह के वर्ड याद हो जाएं कुछ वर्ड तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे इसलिए उनको मास्टर करिए कुछ इसमें 70 परसेंट वर्ड तो बहुत इजी भी हैं आई होप आप सबको आते भी होंगे आई नो वी हैव एन इंटेलिजेंट ऑडियंस विद आस ओके नाउ सिंस आई वाज टीचिंग ग्रामर एंड वोकैबरी सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट आई वॉज स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट क्लियरली सो आई वॉज यूजिंग द हिंदी टू एक्सप्लेन यू बट प्लीज़ प्रैक्टिस Spoken English in front of a camera. I'm repeating myself over and again. Put the camera on a, a tripod and record your videos. Give your introduction, speak. And if you have some friends, invite them for some time to discuss on any general topic and watch the previous videos over and again so that you can master some lines, grammar, listening drills. Practice, practice, and practice. Practice makes a man perfect. Right? Practice makes a man. परफेक्ट विद दैट नॉट आई टेक योर लीव सी यू इन द नेक्स्ट सेशन्स होपफुली डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी सही हो जाएगा ठीक है और हम डिजिटल uh, बोर्ड पर आ जाएंगे टिल देन आई डोंट वॉन्ट टू मिस योर सेशंस आई वॉन्ट योर स्टडी टू बी कंटिन्यू सो आई एल बी रिकॉर्डिंग द सेशन फॉर यू सो दैट यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी ठीक है टिल देन सी आई